हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंड विचारो। और ये रीडिंग है 13th ऑफ नवंबर से लेके 19th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Eight of Pentacles. Knight of Swords. The Emperor. The Tower. Okay. डेथ का कार्ड है एक्वेरियस। लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत पेनफुल ब्रेकअप हुआ है, या आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है जहां अब इसे कंटिन्यू किया ही नहीं जा सकता। बात बर्दाश्त के बाहर है या बात कंट्रोल के बाहर है। बट यहाँ पे द पेंटिकल्स है। ओके, तो जो भी आप देख रहे हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए है। मैं हंस रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपकी फीलिंग की सीरियसनेस को नहीं समझती, लेकिन आप शायद जिस चीज को एक ऐसी चीज समझ रहे हैं जिससे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए मिट जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, ये एक इल्यूजन है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। जब बात आती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की, ये पर्सन वाकई में बहुत केयरलेस हो जाता है। द एम्परर के साथ ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत डोमिनेटिंग है, या जो हमेशा अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझता है, या हमेशा आपको गाइडेंस देने की कोशिश करता है, आपको ये समझाता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड जब आप नहीं समझते हैं तो ये पर्सन शायद आप ही को ब्लेम करता है कि आपकी प्रॉब्लम है कि आप क्लियरली बातों को समझ नहीं पाते, या आप समझना ही नहीं चाहते। आपको ये फील हो सकता है कि ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, जबकि बात खुद पे आती है तो ये बिल्कुल अपनी मनमर्जी करते जाते हैं, यानी इन्हें किसी के ओपिनियन की परवाह नहीं होती। लेकिन जब बात आपकी होती है तो ये पर्सन आपको ये बताने लगता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है डेफिनेटली। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत कुछ फेक दिखा रहा है आपको। ओके, आई मीन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपको ये दिखा रहा है कि आपके बिना भी उनकी लाइफ बहुत कंप्लीट है। द एम्परर को तो चाहने वालों की कमी नहीं है, एंड उन्हें कोई भी मिल जाएगा। उन्हें तो बस एक बार किसी को मिलने की जरूरत है। कह सकते हैं इस पर्सन को अपने पर बड़ा भरोसा है कि ये जिससे भी बात करते हैं उस पर एक इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं, उस पर कोई ना कोई असर जरूर होता है, एंड ये चाहे तो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन हालांकि बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अंदर से। ओके एक्वेरियस, ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें चेज करें। ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें अप्रोच करें एंड अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें। ये पर्सन चाहता है कि आपको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया जाए, या इतना ज़्यादा ट्रिगर कर दिया जाए कि आप खुद
खुद ब खुद आके इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट करें, या कह सकते हैं कि ये पर्सन चाहता है कि आप बैक करें लिटरली इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आजकल एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को लग रहा है एक्वेरियस कि आप कुछ बदल गए हैं. ओके, ये डेथ का कार्ड आपको कुछ खास अफेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है ये डेथ पहली बार नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये कुछ परमानेंट नहीं नजर आ रहा मुझे. ऐसा कई बार हो चुका है, पर हर बार शायद आप अपनी तरफ से चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते थे. इस बार इस पर्सन को थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आजकल आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस हो गए हैं, या अपने ऊपर फोकस्ड होकर आप उन चीजों को कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि एक पूरी तरह से हैप्पी और सेन इंसान ही कर सकता है, यानी खुश और कह सकते हैं कि जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में है वही कर सकता है. ये पर्सन आपको देख रहा है और उन्हें लगता है कि आजकल आप काफी ज्यादा उन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं जो आपकी हॉबीज हैं, शायद आप पेंटिंग कर रहे हैं या आउटिंग कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपको खुशी देती है. शायद आप खुद पे फोकस्ड हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने मेकअप पे ध्यान दे रहे हैं, अपने हेयर पे ध्यान दे रहे हैं. इस पर्सन को लग रहा है कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई खुश हो. ओके, द टार के साथ इस पर्सन के सारे भ्रम दूर हो गए हैं. ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंट इनके लिए आंखें खोलने वाला था कि हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि आप उन्हें अप्रोच करें और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा पिछले वीक की रीडिंग या यही रीडिंग 2023 की फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर की आप अगर देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स. तो सिक्स ऑफ कप्स है, ये पर्सन भूल नहीं पा रहा है आपकी यादों को, आपकी मेमोरीज इनके साथ हैं. ये पर्सन बिताए हुए मोमेंट्स आपके साथ बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा है. ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ही जी रहे हैं आपके लिए. ओके, पुरानी फोटोज को देख रहे हो सकते हैं, पुराने टेक्स्ट को पढ़ रहे हो सकते हैं एंड पढ़ के सोच रहे हो सकते हैं कि क्या वक्त था, कितना ज्यादा रोमांस था हम दोनों के बीच, या कितना ज्यादा एक्वेरियस मुझे प्यार करते थे. पर आप नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन काफी अकेला है एंड किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे. वो किसी को ये दिखाना नहीं चाहते कि आपके बिना वो कितने वीक और अकेले हैं. एंड स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ कहीं अकेले में ये पर्सन दुनिया को फेस करने की ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा है. एंड इनफैक्ट ये पर्सन दिखाना चाहता है आपको कि वो कितने बोल्ड हैं. ओके, तो जो टाइगर आपको नजर आ रहा है वो रियल नहीं है. एंड नाइन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अभी भी एक यूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है, हालांकि इन्हें यकीन नहीं है. थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ इन्हें लग रहा है कि ये जो फासला है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, बहुत बहुत दूर है आप कहीं और आप दोनों के बीच में ये जो दूरी है इसको नापा नहीं जा सकता. एटलीस्ट यही इनकी फीलिंग है इस वीक में. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर इंट्यूटिव सोल ट्राइब. तो आपसे कहा जा रहा है कि सब कुछ आपके हिसाब से ही हो रहा है, एक एक चीज आपके पास आ रही है एंड इसका एहसास आपको होगा, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि आगे क्या होने वाला है. आप जिन लोगों से मिलेंगे वो सब आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने वाले मैसेंजर हैं और वो आपके आसपास सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वो आपको वहां पहुंचा सके जहां आप होना डिजर्व करते हैं. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो.
बाय।